दोस्तों, सलार को आमिर खान की सपोर्ट मिल गई। आमिर खान कहते हैं, एक्शन के मामले में सलार का ट्रेलर सबका बाप है, और इस बार विजय तिलक डायनोसर के माथे पर लगेगा, और वो डायनोसर है प्रभास अन्ना। इस बार प्रशांत नील फिर से अपना जादू चलाने आ रहे हैं। प्रशांत नील की मूवीज काफी अच्छी होती है और वो डार्क एक्शन मूवीज बनाने के मास्टरमाइंड है। इस बार भी सलार में एक बहुत अच्छा और केजीएफ 2 से भी खतरनाक यूनिवर्स हमें देखने को मिलेगा। इस बार सलार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि आजकल एक्शन मूवीज ज्यादा चलती है और सलार का ट्रेलर बता रहा है कि सलार में कितना ज्यादा एक्शन होने वाला है। इस बार सब रिकॉर्ड खतरे में है और साउथ की एक और सुपरहिट मूवी सलार बनेगी और प्रभास अन्ना बाहुबली के बाद एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे। दोस्तों, इंडिया हो या फिर ओवरसीज, सलार ने हर कहीं अपने झंडे गाड़ दिए हैं और सलार की एडवांस बुकिंग डंकी से भी तेजी से हो रही है। जो रिकॉर्ड की धजियां सलार उड़ा रही है उसको देखकर बॉलीवुड की नींदें तक उड़ गई है। क्रिटिक्स की बातों को माने तो तरण आदर्श कहते हैं, ऐसी कमाई आज से पहले किसी भी साउथ की मूवी ने नहीं की थी और सलार को साउथ में भी अच्छा स्टार्ट मिल गया है। इसका मतलब अब सलार का तूफान कहीं नहीं रुकेगा और अपने रास्ते में आने वाले सब रिकॉर्ड तोड़ेगा। सलार हर उस केजीएफ लवर को पसंद आएगी जो कि रोकी भाई को पहले ही पसंद कर चुके हैं। अब प्रभास अन्ना की बारी है। इस बार देवा और पृथ्वीराज दोनों मिलकर काफी बड़ा धमाल मचाने आ रहे हैं। सलार को एक बार फिर से 1000 करोड़ का माइलस्टोन टच करना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले प्रभास अन्ना की किसी भी मूवी ने 1000 करोड़ नहीं कमाई थे, लेकिन अब ये शुभ कार्य प्रभास अन्ना सलार से करने वाले हैं। उसी के साथ और भी कहीं हमें लीडिंग कास्ट नजर आते हैं। आर्मी के भी काफी शानदार शूट देखने को मिलते हैं और इसमें जो शूटिंग की गई है, एक्शन की, वीएफएक्स की, और जो सिनेमा का एंगल है वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। उसी के साथ एक डार्क एक्शन मूवी का एक्सपीरियंस होता है और ट्रेलर इतना ज्यादा खतरनाक है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें जो कुछ दिखाया गया है वो हर एक सीन हमें खींचता है और हमें गूसबम्स देने के लिए मजबूर करता है। सीन इतने वायलेंस और खून खराबे से भरे हुए हैं जिसको देखकर रूह तक कांप जाती है। अब वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे जो आदि पुरुष के बाद प्रभास को फिलोप हीरो पता रहे थे। सलार ने ऐसा धमाका किया है जिसको सुनकर बॉलीवुड की नींदें उड़ गई है। अब डंकी हो या फिर कुछ और, सलार के सामने कोई नहीं टिक सकता। सलार का ट्रेलर हर किसी को पसंद आ गया है और इस ट्रेलर को काफी ज्यादा ओवरसीज में भी रेस्पॉन्स मिल गया है। आपको कितना पसंद आया सलार का ट्रेलर कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। धन्यवाद।